बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए पुरअज़म है। वफाकी हुकूमत ने ज्यादती के मुजरमों को सजा देने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास हुआ। फरोग नसीम, शीरी मज़ारी व दीगर मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। इजलास में ज्यादती के वाकयात की रोकथाम से मुतल्लिक कानून साजी पर गौर किया गया और इमरान खान को कानून साजी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गयी, जबकि ज्यादती के मुजरम को सख्त सजा के तरीकाकार और गवाहों के तहफ्फुज़ के तरीकाकार से मुतल्लिक आगाही दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कानून साजी के लिए मजीद वक्त देने से इनकार करते हुए कहा है कि ज्यादती के वाकयात की रोकथाम हर सूरत यकीनी बनाना होगी। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और सऊदी बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने फोन पर गुफ्तगू के दौरान दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। तुर्की के सदारती दफ्तर ने एक तहरीरी बयान में बताया है कि सदर एर्दोगान और शाह सलमान ने बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने और मसाइल के हल के लिए बातचीत के चैनल को खुला रखने पर इत्तेफाक किया है। बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने G20 रहनुमाओं के सरबराही इजलास पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के जेर एहतमाम वर्चुअल G20 सरबराही इजलास में शिरकत का इरादा रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो टेक्नोलॉजी के जरिए G20 सिमट का 15वां इजलास सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में कोरोना बहरान की रोशनी में मुनक्किद होगा। कॉन्फ्रेंस में आलमी कायदीन, आलमी मालियाती, माशियाती और माशी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज़रबाईजान की फौज ने नुकारबाख में तुर्की का परचम लहरा दिया। आज़री फौज ने तनाजे वाले इलाके नुकारबाख में तुर्क परचम लहरा दिया। तफसीलात के मुताबिक आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के बाद इन इलाकों का कंट्रोल आज़रबाईजान ने हासिल कर लिया है, जहाँ से आर्मेनिया का इनखला अमल में आया। आज़री फौज ने नुकारबाख में तुर्क परचम भी लहरा दिया। ये आज़रबाईजान का वो इलाका है जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ी हुई थी। परचम लहराने वाले फौजियों का कहना था कि नुकारबाग की वागुजारी में हमारे साथ बरातर मुल्क तुर्की ने करीबी तावुन किया, इसलिए तुर्की और आज़रबाईजान के परचमों को साथ साथ लहराया जा रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीन ने कहा है कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी जंग में पाकिस्तान की मुस्बत काविशों को सराहता है। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जमान ने अपने एक बयान में पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा है कि चीन दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उन्होंने मजीद कहा है कि सीपैक को सबूतास करने की तमाम कोशिशें और हरबे नाकाम होंगे। चीनी तर्जमान ने कहा है कि चीनी इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की जदोजहद का मोहतरफ है। जो बाइडेन ने ट्रंप को अमेरिकी तारीख का सबसे गैर जिम्मेदार सदर करार दे दिया। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर ने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा है कि हार के बावजूद ट्रंप इख्तदार की मुंतकली में ताखीर करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार अमेरिकी नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद सदारत मुंतकिल करने पर ताखीर पर तनकीद करते हुए कहा। उन्होंने ट्रंप को इंतहाई गैर जिम्मेदार सदर करार देते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमाल से इन्हें मनफी अल्फाज में यकीनन याद किया जाएगा। अमेरिका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हालिया काबुल का दौरा खुश आइन करार दे दिया। अमेरिका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हालिया काबुल का दौरा खुश आइन करार देते हुए कहा है कि ये दौरा सिक्योरिटी, महाजरीन और तजारत के लिए पाकिस्तानी तावुन का मजहर है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से इमरान खान के दौरा अफगानिस्तान के हवाले से कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हालिया काबुल का दौरा खुश आइन है और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म का इजहार है। अमरीकी महकमे खारजा का कहना था कि इमरान खान का दौरा सिक्योरिटी, महाजरीन और तजारत के लिए पाकिस्तानी तावुन का मजहर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तावुन पूरे खित्ते के इस्तेहकाम में मावुन है।
इमरान खान की हुकूमत को माशी महाज पर बड़ी कामयाबी मिल गई। पाकिस्तान के बॉर्डर ट्रेडिंग इंडेक्स में 28 दर्जे बेहतरी हुई और फहरिस्त में 108 पर आ गया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जहदी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि इमरान खान की हुकूमत की बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के बॉर्डर ट्रेडिंग इंडेक्स में 28 दर्जे बेहतरी हुई और 2020 की फहरिस्त में पाकिस्तान 136 से 108 पर आ गया। नवाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा, नैब एक और रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार। कौमी एहतिसाब ब्यूरो नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने की तैयारियां कर ली। आइंदा हफ्ते नवाज शरीफ समेत अहम शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। कौमी एहतिसाब ब्यूरो नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए गैर कानूनी तरीके से 73 सिक्योरिटी गाड़ियां खरीदी गई। नवाज शरीफ ने सार्क कॉन्फ्रेंस के शर्का के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंपोर्ट कराई थी, जिसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जेरे इस्तेमाल रही। तालीम से मरहूम 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान के तालीमी विजन के मुताबिक निजी शोबा भी तालीम से मरहूम 25 मिलियन बच्चों को आइंदा 5 बरसों में तालीम से आरास्ता करने के लिए मैदान में आ गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बैन-अल-अक़वामी माहिर तालीम उमर फारूकी ने आजाद कश्मीर से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में फैलाने का फैसला कर लिया, ताकि 2021 तक तालीम से महरूम रह जाने वाले बेहतर बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाया जा सकेगा। पाकिस्तान ने फेफड़ों में कोरोना वायरस की तशखीस का जदीद आला तैयार कर लिया। CEO ड्रैब डॉक्टर आसम रऊफ ने मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर दी। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने फेफड़ों में कोरोना वायरस की तशखीस का जदीद आला तैयार कर लिया। ड्रैब ने कोरोना की जदीद तशखीस मेडिकल डिवाइस कोविड की मंजूरी दे दी और CEO ड्रैब डॉक्टर आसम रऊफ ने मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर दी। अलामा खादम हुसैन रिजवी का इंतकाल मौलाना तारक जमील ने ट्विटर पर अहम पैगाम जारी कर दिया। मारूफ आलम दीन मौलाना तारक जमील ने अलामा खादम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि खादम रिजवी नामूस रसालत के एक मजबूत सिप्पा सलार थे। ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में मौलाना तारक जमील ने लिखा कि अलामा खादम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर इनके अहले खाना और मतवसलीन से अजहार ताजियत करता हूँ। मरहूम नामूस रसालत के एक मजबूत सिप्पा सलार थे। पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिलने का इम्कान। G20 ममालिक का इजलास रियाद में शुरू हो गया। पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिलने का इम्कान है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक G20 ममालिक का इजलास कल से शुरू हुआ है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि G20 ममालिक 43 मुल्कों के कर्ज रीशेड्यूल कर सकते हैं। पाकिस्तान भी कर्ज रीशेड्यूल ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान को जनवरी से जून तक कर्ज में रिलीफ का इम्कान है। दर्जनों पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया। सऊदी अरब से 140 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। मुल्क बदर किए गए पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब पहुंचने पर हकाम ने पाकिस्तानी मुसाफिरों की इमिग्रेशन से इनकार कर दिया और इन्हें मुल्क वापस भेजने के अहकाम जारी कर दिए। इमिग्रेशन न होने पर पाकिस्तानियों को वतन वापस भेज दिया गया। मुल्क बदर किए गए 140 पाकिस्तानी सऊदी एयरलाइन की परवाज से मुल्तान पहुँचे। ज़राए का कहना है कि जराइम में मुलव्वस होने और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाने पर शहरियों को डिपोर्ट किया गया है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। पा